आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मशरूम को साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे मशरूम मैंने ली है, इसको मैं पीसेस में कट करूंगी। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप इसको बिना कट करे भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए पहले कट कर लिया है, सारी मशरूम को मैं कट कर लूँगी। इसका नीचे का जो छोटा सा पार्ट होता है थोड़ा सा उसको निकालेंगे क्योंकि वो जड़ीला पार्ट होता है। यहाँ पे मशरूम कट कर ली है, अब इसके ऊपर जो ब्लैक पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इसको हमें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्लीन करने के लिए इस पर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा बुरकेंगे और उसको उससे स्क्रब करेंगे। लगभग एक मिनट तक इसको स्क्रब करना है, अच्छे से उसका पार्ट ब्लैक पार्ट निकल जाएगा और उसकी स्किन भी हट जाएगी। स्क्रब करने के बाद पानी से इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। लगभग 3-4 पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए जिससे कि सारा ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए जब तक, और सारे इसके ब्लैक पार्टिकल इसके निकल जाएंगे और ये मशरूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको 3-4 पानी से इसको निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मशरूम बिल्कुल क्लीन हो गई है, इस पर कोई भी पार्टिकल आपको नज़र नहीं आएगा और ये कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आसानी से आप मशरूम को क्लीन कर सकते हैं।